आराम से आराम से आराम से। भैया पास 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 दे रहो, दूर रहो। यार आईडी देखो कहाँ जा रही, तुम ही लोग कर दो यार, कर दो। क्या फायदा हुआ आईडी पे मुंह में डाले दे रहे हो, कौन लगता है ले भाई, आई लो पकड़ो कर लो। ग्राम विकास अधिकारी तथा समाज तथा पर्यवेक्षक समाज कल्याण की नियुक्ति हेतु झांसी जनपद में करीब 40 सेंटरों पे परीक्षा आयोजित की गई थी। जो वैकेंसी थी 2018 की थी। इन सेंटरों पे कुल 4 पालियों में परीक्षा हुई थी 26 और 27 तारीख को मिलाकर के। इसमें कुल करीब 70,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने थे। इस परीक्षा के दौरान नकल न होने पाए, निष्पक्ष ढंग से परीक्षा और नकल विहीन इसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इसी व्यवस्था के तहत कुल आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल अभ्यर्थी के जगह पे फर्जी ढंग से फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और फर्जी फोटो बना करके ये लोग परीक्षा दे रहे थे। इनके विरुद्ध कुल 3 थानों पर जो नवाबाद, प्रेमनगर और कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अभियोग केंद्र व्यवस्थापक या स्टेटिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा बादी बन के लिखाया गया है और इन चारों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। तथा जिनके जो मूल अभ्यर्थी थे, जिनके जगह पे इन लोगों ने परीक्षा दे रहे थे उनको भी इस अभियोग में शामिल किया गया है। सर कितने पैसे का लेन देन होता था इसके लिए, ये लोग कब से कर रहे थे? ये अभी जो पूछताछ से पता चला है कि 1-1.5 लाख रुपए के बीच में एक अभ्यर्थी की जगह लेन देन होता था। और भी हम लोग इसमें चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। परीक्षा किन के माध्यम से ऑर्गेनाइज होती थी, ये अलग अलग गैंग हैं या फिर एक ही गैंग के लोग शामिल हैं, इन सब के बारे में अभी हम लोगों ने इनसे जो डाटा कलेक्ट किया इसके माध्यम से आगे इस पे अलग से विवेचना करेंगे। पुलिस का आई कार्ड मिला है और फर्जी आई कार्ड मिला है, हाँ बिल्कुल। ये पुलिस का भी, ये जो प्रेमनगर से पकड़े गए हैं नितिन गोयल, इनके पास पुलिस का भी आइडेंटिटी कार्ड मिला है। इसके अलावा तमाम इनके पास आधार कार्ड मिले हैं इन लोगों के पास में, और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स या अन्य जो इंस्ट्रूमेंट जो इनको इस परीक्षा में यूज कर रहे थे वो सब हम लोगों ने बरामद किया है। और इनसे पूछताछ में और भी सारी चीज़ें बहुत सी मिली हैं जिसमें हम लोग इस पे आगे काम करेंगे। झांसी के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं क्या? झांसी का कुछ नहीं, अभी झांसी का कोई नाम नहीं आया। इसमें बिहार, हापुड़ और अन्य जनपदों के नाम आए हैं, अभी झांसी का इसमें कोई नाम नहीं आया। नाम क्या था, संपर्क किया था आपने, क्या बोला आप लोगों से? फिर आप लोगों ने क्या किया, तो मतलब क्या पूरा क्या बोला गया बताओ, पूरा बताओ। बोला गया था कि एग्जाम देकर और पैसा मिलेगा और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो और पैसा मिलेगा। कितना पैसा हुआ फिर, कितना पैसा तय हुआ था एग्जाम के बाद? 80,000 रुपये बोला गया था एग्जाम के बाद, 20,000। या आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है? BSc। और क्या बनना चाहते थे आप? बुला रहा था। प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर कितना हाईटेक तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसका खुलासा झांसी में हुआ। 26-27 जून को झांसी में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। 40 केंद्रों पर तकरीबन 70,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इन परीक्षार्थियों में 4 सॉल्वर ही पकड़े गए हैं, 2 बिहार के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं। ये सॉल्वर गैंग अपने पास पुलिस का भी आई कार्ड लगता था और जब कभी पकड़े जाने पर या चेकिंग होने पर आई कार्ड दिखाकर बच जाता था। फिलहाल फोटोशॉप के माध्यम से चारों गैंग का जो था से चारों पकड़े गए हैं और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
अश्वनी मिश्रा, न्यूज 18 झांसी।